हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स केवीएल, केसीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमेंस थ्योरम जैसे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस टॉपिक को देखेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76, ये कहता है कि इन अ पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2400 हर्ट्ज एंड जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 2800 हर्ट्ज। तो पूछता है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ। ओके, गिवन है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 इज इक्वल टू 2400 हर्ट्ज और F2 इज इक्वल टू 2800 हर्ट्ज जो कि है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज इक्वल टू डेल F यानी कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 400 हर्ट्ज। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन D इज करेक्ट। यदि यहीं पे सारे ऑप्शंस हर्ज में गिवन नहीं होते, यदि ये रेडियन पर सेकंड में होता तो वैसे केस में हम क्या करते कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू डेल ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो यहां पर जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो भी होगा रेडियन पर सेकंड में और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 वो भी रेडियन पर सेकंड में। तो जो बैंडविड्थ आएगा वो भी आएगा रेडियन पर सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। ये कहता है कि अ टैंक सर्क्यूट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो टैंक सर्क्यूट क्या होता है? दिस इज जस्ट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी। ओके, यही कहलाता है टैंक सर्क्यूट, या फिर आप इसे पैरेलल रेजोनेंस सर्क्यूट भी कह सकते हैं। यदि आपसे टैंक सर्क्यूट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसके केस में क्या होगा? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, ये होगा इस टैंक सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ टैंक सर्किट के कंपोनेंट के बारे में पूछा है, तो आप ऑप्शन डी को देखिए। ये कहता है कि प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78। ये कहता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर इफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज। तो क्वेश्चन में गिवन है सीरीज आरएलसी सर्किट, ये रहा सीरीज आरएलसी सर्किट और क्वेश्चन में कहता है कि दिस सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी तभी होगा जब ये सर्किट ऑपरेट करेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, जो इसका यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को हर्ज में बताइए, यानी कि एफ नॉट के बारे में पूछा है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2π, तो क्या होगा? 1/√LC हर्ज। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। ये कहता है कि फोर आरएलसी एसी सीरीज सर्क्यूट एट रेजोनेंस द करंट इज। तो इस क्वेश्चन में आरएलसी सीरीज सर्किट गिवन है और पूछा है कि एट रेजोनेंस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट कैसे होंगे, और ऑप्शन में गिवन है कि मिनिमम हो सकता है या फिर ये करंट मैक्सिमम हो सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे हो सकता है, लैगिंग पे हो सकता है या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे हो सकता है। तो देखते हैं एट रेजोनेंस कैसा होगा सीरीज आरएलसी सर्किट का करंट। ओके, तो इस ग्राफ को देखिए, ये है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो ये एक्सिस शो करता है करंट और दिस एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी। चाहे आप इस फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करो तो जो यूनिट होगा वो होगा हर्ज, या फिर आप इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करोगे तो यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है
दिस इज एफ नॉट, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो करंट की वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई मैक्स, और एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो पावर फैक्टर होता है दैट विल बी यूनिटी। यदि आप इस सीरीज आरएलसी सर्क्यूट को एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करोगे जहां एफ इज लेस देन एफ नॉट हो, तो ये सर्क्यूट लीडिंग इन नेचर होगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये सर्किट कैपेसिटिव होगा। ओके, लेकिन यदि आप इस सर्क्यूट को ऑपरेट करोगे एफ ग्रेटर देन एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पे, तो आप ये कहोगे ये सर्क्यूट लैगिंग इन नेचर है, या फिर आप इसे इंडक्टिव सर्क्यूट भी कह सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां से आप ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी कहता है कि करंट इज मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, ये कहता है कि सीरीज आरएलसी सर्क्यूट रेजोनेट्स एट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो अब पूछता है कि एट फ्रीक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज द सर्क्यूट इम्पेडेंस विल बी व्हाट। इस सीरीज आरएलसी सर्क्यूट में जो एफ नॉट गिवन है यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज, और क्वेश्चन में कहता है कि हम इस सर्क्यूट को दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं जिसकी वैल्यू है एफ इज इक्वल टू 1.1 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, तो ये पूछता है कि सर्क्यूट का इम्पीडेंस कैसा होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं हम कि जब f इज ग्रेटर देन f नॉट हो तो हमारा सर्क्यूट लैगिंग इन नेचर होता है, या फिर हम उस सर्क्यूट को इंडक्टिव ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो कहता है कि सर्क्यूट इम्पीडेंस इज इंडक्टिव, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि इसी क्वेश्चन में ये कुछ ऐसा कहता है कि हम एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.9 मेगाहर्ट्ज, कि ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हम ऐसे केस में कह सकते हैं कि जो सर्क्यूट का इम्पीडेंस होगा दैट विल बी कैपेसिटिव इन नेचर, या फिर हमें लीडिंग भी ऑप्शन में आएगा तो लीडिंग भी हम लगा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 ये कहता है कि बैंडविड्थ ऑफ एन एसी सीरीज सर्क्यूट कंसिस्टिंग ऑफ आर एल एंड सी इज व्हाट। ये हमसे सीरीज आरएलसी सर्क्यूट के बैंडविड्थ के बारे में पूछा है, तो इसका बैंडविड्थ क्या होता है, डेल ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन यदि यही पूछा होता कि पैरेलल आरएलसी के केस में बैंडविड्थ कितना होगा, तो आप कहोगे कि इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/R × C। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 ये कहता है कि सीरीज रेजोनेंट सर्क्यूट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे ऑप्शंस को आप पढ़िए कि ऑप्शन बी में लिखा है यूनिटी पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट। ओके, सीरीज रेजोनेंट के केस में यूनिटी पावर फैक्टर होता है एट रेजोनेंस एंड करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में सीरीज रेजोनेंस की जगह पे अगर पैरेलल रेजोनेंस होता, तब आप क्या कहोगे, पैरेलल रेजोनेंस सर्क्यूट में एट रेजोनेंस जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, और जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी मिनिमम। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 ये कहता है कि वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्क्यूट इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा है कि एक सीरीज रेजोनेंस सर्क्यूट जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करे तो उस टाइम उसमें फ्लो होने वाले करंट किससे अफेक्टेड होंगे। तो देखिए यहाँ पर यह है सीरीज आरएलसी सर्क्यूट एट रेजोनेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा यानी कि XL और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ दिस विल बी इक्वल टू X। ओके, तो यहाँ से देखिए इस सर्क्यूट में आप लिख सकते हैं रेसिस्टर की जगह पे R, और इंडक्टर के केस में लिखोगे आप +jX, और कैपेसिटर की जगह पे -jX। यहाँ से आप देख पाओगे कि +jX एंड -jX बोथ आर कैंसल आउट, और जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा X इक्विवेलेंट विल बी 0, का मतलब है कि हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज शॉर्ट सर्क्यूट। ओके, सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी कैन ड्रॉ द सर्क्यूट लाइक दिस, दिस इज R और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, दिस इज वोल्टेज V। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी कैन से दैट I विल बी इक्वल टू V / R। तो यहाँ पर
सिर्फ रेसिस्टेंस से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वाले करंट अफेक्टेड होंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। ये कहता है इन पैरेलल एलसी सर्किट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। तो यहाँ से देखिए, दिस इज अ पैरेलल एलसी सर्किट, तो इसमें पूछा है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस करंट इज व्हाट, आई विल बी व्हाट। तो यहाँ से देखिए, एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसे सिंपली एक्स कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह पे यहाँ लिख सकते हैं प्लस जे एक्स, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जगह पे लिख सकते हैं माइनस जे एक्स। यहाँ से आप इस पैरेलल सर्किट को देखिए, तो एक है प्लस जे एक्स और दूसरा है माइनस जे एक्स, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो जो इसका एक्स इक्विवेलेंट होने वाला है वो होगा प्लस जे एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाय प्लस जे एक्स माइनस जे एक्स। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट मीन्स एक्स इक्विवेलेंट विल बी इनफाइनाइट। इसका मतलब ये ओपन सर्किट शो करेगा, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो एम्पीयर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। ये कहता है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ इन किलोहर्ट्ज़ ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट हैविंग रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ 80 ओम 2 मिली हेनरी एंड 0.01 मिली फैराड रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस क्वेश्चन में आर एल और सी तीनों की वैल्यू गिवेन है और पूछता है कि आप बताइए बैंडविड्थ कितना होगा। तो एज वी नो बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट, और वही हमें गिवन है। यदि पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट होता तो उसके केस में बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 1/RC। ओके, यहां से आप देखोगे आर की वैल्यू गिवन है 80 ओम एंड इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 मिली हेनरी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40 × 10³, यानी कि 40 किलो है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 4 फैराड इन अ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट। यहाँ पे सीरीज नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट। ओके, हैविंग अ क्वालिटी फैक्टर 2 व्हेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 6 रेडियन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 4 फैराड, और पूछा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू बताइए इन मिली हेनरी व्हेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 6 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से जो ओमेगा नॉट गिवन है दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड। जैसा कि हमें पता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 1/√C की वैल्यू 4 फैराड एंड दिस इज L। ओके, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36 इज इक्वल टू 1/4L। यहाँ से आप इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू 1/4 × 36, दिस विल बी इक्वल टू 0.0069 हेनरी। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि आप इंडक्टेंस की वैल्यू बताइए इन मिली हेनरी, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 6.9 मिली हेनरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी कहता है 7 मिली हेनरी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पीडेंस इन ओम ऑफ अ टैंक सर्क्यूट वर्किंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैविंग अ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ भी गिवन है एक टैंक सर्क्यूट, यानी कि टैंक सर्क्यूट के लिए हम लिखेंगे एक L एंड पैरेलल विद C, दिस इज अ टैंक सर्क्यूट। इसमें L और C दोनों की वैल्यू गिवन है। ये कहता है कि ये टैंक सर्क्यूट वर्किंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पूछता है कि इसका टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्क्यूट। क्वेश्चन नंबर 84 में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL और XC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होता है, तो इसलिए हम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टर की जगह पे लिखेंगे प्लस जे एक्स और कैपेसिटर की जगह पे लिखेंगे माइनस जे एक्स। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो जेड इक्विवेलेंट
विल बी इनफाइनाइट, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 84 में कर चुके हैं। तो यहां से पूछता है टोटल इम्पीडेंस क्या होगा, तो यहां देखिए ऑप्शन डी इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। ये कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मिली फैराड कनेक्टेड इन पैरेलल विद इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी व्हेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्क्यूट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड और इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है दिस इज 3 हेनरी। तो हमसे पूछा गया कि आप बताइए कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होगी। सो एज वी नो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से लिखोगे ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। यहाँ पे ओमेगा नॉट गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर करके लिखोगे दिस इज 16 इज इक्वल टू 1/L × C। एल की वैल्यू है 3, तो 3 × C। यहाँ से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे, सी विल बी इक्वल टू 1/3 × 16। सॉल्व करने पे ये आपको देगा 0.02083 फैराड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए मिली फैराड में, तो आंसर होगा 20.83 मिली फैराड। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। क्वेश्चन में पूछा है कि पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट एज वी नो ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/√LC एंड बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/RC। यहां से आप लिखोगे कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ओके, यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू है 1/√LC, बैंडविड्थ की वैल्यू है 1/RC। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 3 डिफरेंट तरह के आंसर मिलेंगे। एक होगा ओमेगा नॉट RC, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। दूसरा रिजल्ट आएगा R/ωo(L) और तीसरा रिजल्ट आएगा R√C/L। ये तीनों रिजल्ट क्वालिटी फैक्टर के हैं इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है R√C/L यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन यदि पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट की जगह पे सीरीज आरएलसी सर्क्यूट होता तो उसके केस में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये तो सेम ही रहेगा। बैंडविड्थ इज इक्वल टू R/L और जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा क्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यानी कि यहां से आपको मिलेगा ओमेगा नॉट L/R, या फिर दूसरा रिजल्ट होगा 1/ωo(RC), या फिर तीसरा रिजल्ट होगा 1/R√L/C। ओके, तो यहाँ पे हमने पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट और सीरीज आरएलसी सर्क्यूट दोनों के बारे में देखा। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज फॉर पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट और जो ऑप्शन ए में गिवन है दैट इज फॉर सीरीज आरएलसी सर्क्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। ये कहता है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्क्यूट इज व्हाट। यानी कि हमारे पास सीरीज आरएलसी सर्क्यूट है जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नॉट पर ऑपरेट करा रहे हैं। वैसे केस में हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। दिस इज R, दिस वन इज +jX एंड दिस इज -jX। यहां से जब आप टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करोगे तो Z इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R+jX-jX। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस सर्क्यूट इज प्योरली रेसिस्टिव इन नेचर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं कि जब इसका इम्पीडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है R, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका पावर फैक्टर होगा दैट विल बी यूनिटी। कि जो इम्पीडेंस की वैल्यू है R, दिस इज मिनिमम। जब इम्पीडेंस मिनिमम है तो हम कह सकते हैं कि करंट विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वी कैन ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IMAX जो कि हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पर मिलता है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा कि ये जो ग्राफ है दिस इज जस्ट लाइक बैंड पास फिल्टर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, ये कहता है कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आप इनपुट इंपेडेंस के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 में था सीरीज आरएलसी सर्किट और क्वेश्चन नंबर 91 में पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो हम इसको भी देख लेते हैं। दिस इज अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। जैसे कि हम सीरीज रेजोनेंस के केस में लिखते हैं जेड इक्विवेलेंट, उसी तरह पैरेलल रेजोनेंस में हम लिखते हैं वाई इक्विवेलेंट। ये ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इजी होता है फाइंड आउट करना। ओके, तो वाई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी। ओके, यहां भी एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों पैरेलल ब्रांच बिहेव करेंगे जस्ट लाइक ओपन सर्किट, क्योंकि इसका एक्स इक्विवेलेंट हो जाता है इनफाइनाइट। तो एट रेजोनेंस हम कह सकते हैं कि सर्किट का जो एडमिटेंस होगा दैट विल बी मिनिमम, और जब एडमिटेंस मिनिमम होगा तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, और जब इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो वी कैन से दैट कि करंट विल बी मिनिमम। ओके, तो इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज द मिनिमम करंट आई मिनिमम जो कि हमें मिलता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पर। जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि दिस इज जस्ट लाइक बैंड स्टॉप फिल्टर या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कितना होगा। जाहिर सी बात है इसने एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की है, सो इनपुट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, ये कहता है कि डिटरमिन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्क्यूट व्हेन बैंडविड्थ इज 20 हर्ट्ज। यानी कि बैंडविड्थ गिवन है 20 हर्ट्ज और क्वालिटी फैक्टर पूछा है। एज वी नो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, यहाँ पर ओमेगा नॉट गिवन नहीं है, सो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट। तो आप क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा, वहां पर पूछा गया था पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट के बारे में, लेकिन मैंने पैरेलल और सीरीज दोनों को डिस्कस किया था वहां। ओके, सो आप वहां पर देख लीजिएगा। वैसे इसका जो आंसर होगा दैट इज 1/R रूट अंडर L/C, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीरीज आरएलसी सर्क्यूट। सीरीज आरएलसी सर्क्यूट के बारे में इनमें से कौन सा सही है। जब चारों ऑप्शंस को आप देखोगे तो इसमें से पता चलता है कि ये बैंडविड्थ के बारे में बात किया है। सो इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से यदि हम रेसिस्टेंस को कम करेंगे तो भी हमारा बैंडविड्थ कम होगा, या फिर यदि हम इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो भी हमारा बैंडविड्थ कम होगा। ओके, तो ऑप्शंस को देखिए, यहाँ से ऑप्शन बी में कहता है कि इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन रेसिस्टेंस। ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, ये कहता है कि व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज ऑफ अ टैंक सर्क्यूट व्हेन द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सर्क्यूट इज 0.04 मिलीफैरड एंड 0.04 मिली हेनरी रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में एक एलसी सर्क्यूट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक टैंक सर्क्यूट है जिसमें सी की वैल्यू गिवन है 0.04 मिलीफैरड और इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.04 मिली हेनरी। तो यहाँ से पूछा है कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए। तो एज वी नो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर 0.04 × 0.04 × 10⁻⁶। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 0.04 × 10⁻³। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.04, ये होगा रेडियन पर सेकेंड में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए किलोहर्ज में, तो एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2π। जब आप इसे 2π से डिवाइड करोगे
तो आपको आंसर मिलेगा 3.978 किलोहर्ट्ज। ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी को देखिए, दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस गिवन है 18 मिली फेराड और इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी। यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है इन हर्ज, ओके, नॉट इन किलोहर्ट्ज। तो रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि सीरीज आरएलसी सर्क्यूट हैज ए कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ 18 मिली फेराड, 2 मिली हेनरी एंड 10 ओम्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द सर्क्यूट। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होगा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है इन हर्ट्ज, सो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC। जब आप यहाँ पर L और C की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको एफ नॉट आएगा 26.52 हर्ट्ज। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट एट रेजोनेंस व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 20 एम्पीयर। यानी कि एक सीरीज आरएलसी सर्क्यूट में मैक्सिमम करंट गिवन है 20 एम्पीयर और पूछा है कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल आर सेम। ओके, सीरीज आरएलसी सर्क्यूट के केस में जो हमें करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मिलता है तो उसमें दिस इज एफ नॉट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, दिस वन इज अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2, और यही जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है F1 एंड F2 यही कहलाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एट दिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम करंट गिवन है दैट इज 20 एम्पीयर, तो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ करंट विल बी 20/√2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.14 एम्पीयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन यदि यह क्वेश्चन पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट का होता तो इन दिस केस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता एंड दिस करंट इज आई मिनिमम जो कि हमें मिलता रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पर, और दिस फ्रीक्वेंसी इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड दिस वन इज अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2, और ये दोनों जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं इस पे हमें जो करंट की वैल्यू मिलती दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 0.01 मिली फेराड, इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी एंड रेसिस्टेंस 75 ओम। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√L/C इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट। ओके, यहां से जब आर एल और सी की वैल्यू आप पुट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/75 √1×10⁻³ / C की वैल्यू 0.01 मिली फेराड। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 10/75, इट मीन्स 0.133। तो फाइनली यहां से आपको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिल गई 0.133। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यदि हम इस सीरीज आरएलसी सर्क्यूट को कंट्रोल सिस्टम से रिलेट करें और यदि हमें पूछे कि आप बताइए ये सर्क्यूट ओवर डैम्प्ड है या क्रिटिकली डैम्प्ड है या फिर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, तो इसके लिए जब आप यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वालिटी फैक्टर क्यू नॉट की वैल्यू आई 0.133 यानी कि दिस इज लेस देन 0.5। तो आप कह सकते हो कि फॉर लेस देन 0.5 दिस सिस्टम इज ओवर डैम सिस्टम। सो जो हमारे पास सीरीज आरएलसी सर्क्यूट गिवन है दिस इज ओवर डैम सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99।
ये कहता है कि 10 ओम का रेसिस्टर, 1 हेनरी इंडक्टर एंड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. द कॉम्बिनेशन इज ड्रिवन बाय अ यूनिट स्टेप करंट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में सोर्स करंट फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ देखिए, दिस इज आवर सर्किट जिसको हम एक यूनिट स्टेप करंट सोर्स से एक्साइट करते हैं. दिस इज यूनिट स्टेप करंट सोर्स, मैग्नीट्यूड इज 1 एम्पियर. तो पूछता है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन सोर्स का करंट कहां से फ्लो करेगा. ओके, तो एज वी नो कि इन केस ऑफ डीसी सप्लाई इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्क्यूट एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्क्यूट एट स्टेडी स्टेट. ये जो कंडीशन होती है कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट हो जाता है, ये सिर्फ स्टेडी स्टेट पर ही होता है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई. ओके, सो करंट इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा बिकॉज यहां पर उसे जीरो रेसिस्टेंस का पाथ मिल रहा है क्योंकि ये हो चुका है शॉर्ट सर्क्यूट. सो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. इसमें कहा गया है कि इन सीरीज आरएलसी सर्क्यूट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वीसी, वो मैक्सिमम कहां होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्क्यूट यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेस हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो वो सर्क्यूट होता है कैपेसिटिव इन नेचर, और यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो वो होगा इंडक्टिव इन नेचर, और यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर तो ये सर्किट रेसिस्टिव इन नेचर होता है. तो आज की क्लास में बस इतना ही. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए. यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ये मुझे बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.